सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट, वो भी टेक्निकल गेमर वाइटी के साथ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के पार्ट में हम लोग लास्ट वाले पार्ट में तुम लोगों ने देखा था, जब मैं टेक्निकल गेमर वाटी के लिए मैंने एक सरप्राइज रेडी किया था, उस समय मैं एक केव तुम लोगों को मैंने दिखाया था। तो आज हम लोग उसी वाले केव में जा रहे हैं, तो चलो हम लोग जल्दी से उस केव में जाते हैं और देखते हैं उस केव में क्या है। वेल्स, वैसे मैंने उधर को एक आयरन दिखाया था, तो वो भी आयरन भी हम लोग लेंगे और अंदर का थोड़ा जाएंगे, देखेंगे उस अंदर में क्या है। तो जल्दी से हम लोग केव में जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इधर तो आ गए, पर टेक्निकल गेमर वाइटी पता नहीं कहाँ गया, थोड़ा पीछे रह गया होगा। चलो आगे जाके देखते हैं। हाँ, वो अभी आ गया, तो चलो हम लोग जल्दी से उसके साथ केप के अंदर जाते हैं। तो उसने तो डैमेज ही खा लिया। चलो जल्दी से हम लोग आगे जाते हैं, खाना खा रहा है ये। चलो जल्दी से। और इधर भाई, पहले ये बताओ, मैंने शेडर्स इंपोर्ट किए हैं तो मैं बोलना भूल ही गया, प्लीज़ मेरे को बताना शेडर्स कैसा लगा। वैसे तुम लोगों ने देखे तो सामने आयरन, मैंने बोला टीजी वाइटी को लेने के लिए, भाई मैं सच्ची में स्टार्टिंग में बोलना तो भूल ही गया, तो मैंने शेडर्स लगाया, बहुत मुश्किल से लगाया है मैंने। तो प्लीज़ क्या बताओगे, तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं शेडर ESTN एंड बेडबोन से। तो मैंने इधर डर्ट से नीचे जाने का रास्ता बना रहा हूँ, थोड़ा इधर को बना लो, थोड़ा इधर दो ब्लॉक्स और उधर साइड में एक और ब्लॉक, एक होगा क्या, अभी होगा। चलो ठीक है, हम नीचे आते थोड़ा टॉर्चेस लगा देते हैं। ओके, सो इधर भाई ये माइन सच में बहुत बड़ा होने वाला है मेरे को लग रहा है। तो बहुत सारे रास्ते हैं इधर, तो इधर ऊपर जाने लगा मैं, ऐसे में भूल गया था, उसने उसको मैंने बोला था, उसको माइंड करने गया था, ऊपर आके देखा है इसलिए, तो ऑलरेडी माइंड कर चुका है, तो उसने बोला, उसने माइंड किया। तो हम लोग इधर आने लग गए, तो इधर को एक आयरन का ये मिल गया, आयरन और मिल गया, तो इसको मैंने ले लिया। उसके बाद इसको मैंने इधर को रख दिया, पता नहीं मेरे पास बीट रूट सीट कैसे आ गया। तो अब चलो इधर को टॉस दे दिए, तो मैं सोच रहा था कौन से साइड में पहले जाए, तो मैंने उसको बोला पहले इस वाले साइड में चलते चल। तो इधर का आए तो भाई इधर कोई पहले ही बहुत से आयरन मिल गए हम लोगों को, तो जल्दी से हम लोग इसको ले लेते हैं, वैसे ज़्यादातर इसको ही मिला है। चलो जल्दी से हम लोग इसको ले लेते हैं, जल्दी जल्दी आपको हम लोगों ने ले लिया। तो हम लोग अभी जाने वाले इस तरफ, तो इस तरफ जाके टॉर्चेस लगा देता हूँ पहले, वेट इस तरफ जाने वाले, सॉरी इधर को पहले हम लोग टॉर्चेस लगा देते हैं, क्योंकि इस जगह को याद रखेंगे हम लोग, इधर से हम लोग ऊपर जाएंगे इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा, तो एक निशानी दे देते। तो अभी इस साइड को जाते हैं, तो फिर से आयरन मिल गया हमको, फिर से हम लोग इस आयरन्स को, आयरन ओट्स को हम लोग ले लेते हैं जल्दी से, जल्दी से हम लोग ले लेते हैं इनको। ओके, तो ऊपर ऊपर जाने के लिए इस ब्लॉक को पहले तोड़ते हैं, उसके बाद इधर को एक कॉबलस्टोन या डर्ट लगाओ, सर डर्ट, हाँ डर्ट लगा देता हूँ। ओके, तो अभी पहले इसको इधर रख देता हूँ और इस ओर को इधर, उसके बाद हम लोग आगे जाते। तो भाई इधर को इस केप का तो अंतिम संस्कार हो गया, मतलब इसका तो अंत हो गया, क्या बोलता हूँ मैं, इधर को जा रहे, तो इधर को भी अंत ही होता है। सामने जाओ, जा रहे हैं हम लोग, इधर को पानी है सिर्फ, सामने कुछ नहीं है, सिर्फ इस ओर से है आयरन वाले। तो जल्दी से हम लोग लेने से पहले इसको थोड़ा बोला टॉर्चेस देने के लिए, टॉर्चेस मेरे पास सिर्फ 5 ही है, इसके पास बहुत है। लास्ट वीडियो में उसने कुछ ज़्यादा बना लिया था, उसने मेरे बोला, भले मैं मेरे को नहीं पता था उसको, इसने मतलब कितने टॉर्चेस बनाए, जो भी हो उसने मेरे को दे दिया। तो मैं ज़रा खाना खा लेता हूँ, चिकन लेग पीस को ज़रा फुल कर लेता हूँ। ओके, सो ये आयरन ओट्स ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ, भाई एक मेरे लिए भी छोड़ दे, सब मत ले अब, वैसे हम दोनों का ही वर्ल्ड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और तो सामने में चेक करने लग गया कुछ है या नहीं है, भाई इधर तो सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं है इधर। तो पहले तो इस पानी को बंद करता हूँ, भाई बहुत है मेरे को, मतलब बाउंस कर रहा है ये। तो मैं चलता हूँ जल्दी से, सामने इधर घास खास आ गया, मैंने उसको बोला जल्दी आ, इधर देख केम में घास है। वैसे कॉमन हम लोग, मैं तो देखते ही रहता हूँ, पर इसने कभी नहीं देखा केम में घास भी है, तो इसको मैंने दिखा दिया। और मेरा इरादा था मैं इसको इधर, मतलब इसको इधर को फंसा दूँ जल्दी, अरे और गलती से तो मैं ही इधर गिर गया। उसने बोला इधर आयरन ओर है, तो मैं इसलिए गलती से नहीं जानबूझ के गिरा हूँ, तो मैं ऊपर आया, तो अब इसको फंसाने की कोशिश कर रहा था और भाई ये तो ऊपर आ गया, तो इसको फंसाने तो मतलब फंसा तो नहीं पाया। तो हम लोग अभी आगे जाते हैं, हिंदी को क्या हुआ आज मेरी, तो हम लोग आगे जाते हैं।
इधर बहुत अंधेरा है, फिर से टॉर्च लगा देते हैं हम लोग। प्लीज पूरी वीडियो देखते स्किप मत करना, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ सामने क्रीपर। तो एक वीडियो बनाता हूँ और ये सामने से क्रीपर आ गया, तुम ध्यान ध्यान से जाने दो, ये ब्लास्ट किया देगा, अपने पास शील्ड भी नहीं है। ओके ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसको ब्लास्ट देने देते, उसने दिया ब्लास्ट, थोड़ा सा एक डैमेज पड़ गया। तो से हम लोग इधर को टॉर्च लगा लेते हैं, उसके बाद नीचे जगह सारे कबलस्टोन हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, उसको मिला क्या थोड़ा पता नहीं, जो भी हो चलो हम लोग जाते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ऐसे लाते ही रहूँगा। मैंने हालांकि बोला था कुछ गेम सजेस्ट करने के लिए, भाई क्या करो पबजी मोबाइल लाइट जो बैन हो गया है, पबजी मोबाइल केयर मैंने इंस्टॉल किया, अगर तुम लोग बोलो तो मैं पबजी मोबाइल केयर के ऊपर एक गेम प्ले वीडियो बना सकता हूँ। और वैसे भी मैं उस वाली वीडियो में थोड़े लो लीग में हूँ, मतलब भाई मेरा कोई आईडी नहीं है केयर वर्जन का, मैंने कल या फिर परसों कल ही डाउनलोड किया था, हाँ कल ही डाउनलोड किया था मैंने केयर वर्जन को, मेरी मैं उसमें ब्रॉन्ज में हूँ, मेरा कोई आईडी नहीं है, इसलिए तुम लोग बोलोगे तो मैं एक बन मतलब क्या बोलता मैं गेम प्ले बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें मैं जीतूंगा वो कॉमन चीज़ है, क्योंकि मैं इतने लो लीग में तो बहुत से ऐसे नूब्स ही मिलेंगे ना, मतलब जिन जो पहली बार खेल रहे हैं तो वही मिलेंगे ना, तो बोल सकते हो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख दो मेरे को के आर का वीडियो चाहिए, और इसके बदले जीतू या हार दो तुम लोग मैं कैसे खेलता हूँ वो तुम लोग देख सकते हो, वैसे तो बहुत ही बकवास खेलता हूँ मैं, तो इट्स ओके। वैसे इधर को तो हम लोगों को बहुत ही कोयला मिल गया, उधर पीछे को भी मिला था, इधर को भी मिल गया है भाई, माला माल हो जाएंगे, सिर्फ डायमंड है तो भाई बहुत अच्छा होगा। और इस वाले जो सीरीज है सीजन टू में भाई, इसमें हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, तो जल्दी से हम लोग इस क्या बोलते हैं इसको कोयले को जल्दी से ले लेते हैं। सामने एस्केलेटर आ गया, एस्केलेटर को तो पहले मारो, जल्दी से मारो एस्केलेटर को, जल्दी जल्दी मर जा भाई। ओके तो ये मर गया, तो भाई कितने सारे एयर्स अगर उठा पाते तो अच्छा होता, इतने दे दो ही है, तो जल्दी से हम लोग फिर से ये कोयले को जल्दी से हम लोग उठा लेते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने कोयला तो उठा लिया, तो चलो हम लोग आगे जाते हैं, थोड़ा और टॉर्चेस लगा देते हैं इधर, और आगे जाते हैं, और फिर से हम लोगों को इधर कोयला मिल गया, तो जल्दी से हम लोग इस वाले कोयले को भी ले लेते हैं। तो जल्दी से हम इन कोयले को लेते हैं, पहले तो टॉर्चेस बना लेते हो, फिर से टॉर्चेस खराब किया मेरा मतलब कम हो गए, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग, थोड़ा खुद भी बना लेते हैं, उसके टॉर्चेस को मतलब उस टॉर्चेस को वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग इससे बना लेते हैं। और अगर प्लीज़ बोलना मैं केयर वर्जन खेलूँ या नहीं, वो भी मैं खेलूँगा टेक्निकल गेमर वाइटी के साथ, क्योंकि वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है ना, मैं जीतूँगा कॉमन नहीं है, सिर्फ तुम मेरी स्ट्रेटेजी देख लो कि इतने, वैसे मैं बकवास ही खेलता हूँ। तो चलो तो जल्दी से इस कोयले को हम लोग ले लेते जल्दी से, हो गया हम लोगों ने ले लिया, तो हम लोग अभी सामने जाते हैं फिर से, तो इधर फिर से अंधेरा तो होना ही था, तो हम लोगों ने टॉर्चेस लगा दिए, फिर से एक और टॉर्चेस। तो हालांकि मैं जो इस गेम को खेल रहा था तब मैंने हेडफोन्स नहीं लगाए थे, मैं अपने गेमिंग हेडफोन्स, पर टेक्निकल गेमर वाइटी ने जो है उसने गेमिंग हेडफोन्स लगाए थे, उसने बोला सामने से केब स्पाइडर है, स्पाइडर की आवाज़ आ रही है, उसने मेरे को बोला, तो उसने मेरे को बोला सामने, उसको पता नहीं क्या कहते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर स्पॉनर यस स्पॉनर ये क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब सामने स्पॉनर हो सकते हैं, मेरे को भी लगा, तो उसने बोला इस साइड से आवाज़ आ रही है, तो गेमिंग हेडफोन्स का तो फायदा यही है ना, हम लोग समझ सकते हैं कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो उसने बोला उधर को स्ट्रिप माइनिंग करने के लिए, तो मैं जल्दी से स्ट्रिप माइनिंग उस साइड में करता हूँ, फिर टॉर्चेस लगा देता हूँ। तो उसने मैंने फिर से उसको ज़रा पूछा कहाँ पर माइनिंग करने, यहाँ से स्ट्रेट या फिर लेफ्ट साइड में, तो उसने बोला इसी साइड में जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, तो उसी साइड में हम लोग जल्दी उसने बोला टॉर्च लगा, पर लगा ही नहीं रहा टॉर्चेस, तो जल्दी से टॉर्च उसने लगा दिया, फिर जब उसने बोला मैं स्ट्रिप माइनिंग करता जाऊँ और पीछे पीछे टॉर्च लगाएगा लगाएगा, तो हम लोग जल्दी से जाते हैं आगे, फिर से इसको तोड़ते देखते उसका बात सच निकलता है या नहीं। वैसे आवाज़ तो थोड़ी सी मेरे को भी आई थी, पर कहाँ से आ रही थी वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने गेमिंग वाले हेडफोन्स नहीं पहने थे, इसलिए तो मैंने बोला इस तरफ तो नहीं जाना, तो उसने बोला हाय इस तरफ भी जाने के लिए, तो मैं ज़रा कन्फ्यूज़ हो गया था, तो मैं जा रहा था और भी सामने जा ही रहा था स्ट्रिप माइनिंग करते गए, उसने बोला और आगे जाने की एक आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, उसने बोला मेरे को स्पाइडर की, उसके बाद उसने बोला स्केलेटन की आवाज़ आ रही है, तो मेरे को भी स्केलेटन की आवाज़ सुनाई दी, तो इधर कोयला मिल गया, तो जल्दी से इस कोयले को हम लोग ले लेते हैं इधर को, एक नीचे वाला कबलस्टोन ऊपर वाला तोड़ देता हूँ, उसके बाद इस कोयले को ले लेता हूँ। उसने बोला कोयले को छोड़ पहले सामने जा, तो मैं जल्दी से इसको ले लेता हूँ, कोयले को मैंने छोड़ा ले, मैंने बोला भाई सस्ते में जो मिलते हैं उसको छोड़ के हम लोग करेंगे क्या, तो ले लेते हैं ना,
तब भी मैंने छोड़ दिया, चलो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा है ना। तो हम लोग उसकी बात एकदम सही थी, इधर हम लोग आ गए तो इधर को एक और रास्ता मिल गया हम लोगों को। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इससे ज़्यादा दूर नहीं जाने वाले, जब स्केलेटन को मार देते हैं तो मेरे हिसाब से भाई ये केव जो है बहुत लंबी है, इस पार्ट में तो ख़त्म नहीं होने वाली। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस केव को विजिट करेंगे, वैसे उधर को कुछ नहीं, सब उधर को ही है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस केव को विजिट आई मीन और थोड़ा देखेंगे इसका अंदर क्या है। तो आज हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे कि नहीं भाई, नहीं तो पार्ट जो है बहुत लंबा पार्ट हो जाएगा, ये आधे घंटे का पार्ट बन जाएगा। तो इसलिए छोड़ो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग तो आगे गया, हम लोगों ने देखा तो आगे नहीं, असल में मैंने वो क्या बोलते हैं उसका हड्डी जो है ना, बोन, उसके एरोस वो लेने गया था मैं, और एक्सपी स्पेशली। तो जल्दी से इधर को टॉर्चेस लगाते गए तो इधर को फिर से कोयला दिख गया, तो हम लोग कोयला लेने लग गए फिर से। हम लोग ज़्यादा दूर आज नहीं जाना, असल में मैंने कोयला नहीं लिया, मैं सामने जाने लग गया फिर से। उसके बाद फिर से पीछे आया, उसका फिर से सामने गया, उसके बाद मैं उधर से ग्रेवल्स गिर रही थी। असल में मैं मजाक कर रहा था, हम लोग इससे सामने जाने वाले हैं, मैं मजाक कर रहा था एक्चुअली। तो हम लोग जल्दी से तोड़ देते हैं इसको, ग्रेवल्स की जो इधर बरसात हो गई सच्ची में, इतने सारे ग्रेवल्स गिर गए, मतलब टेक्निकल गेम और वाइटी के तो आंखें खुली की खुली रह गई, मतलब एक मिनट क्या तोड़ा, मतलब पूरी बरसात हो गई। मैं मजाक कर रहा था, हम लोग थोड़ा और आगे जाने वाले, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं जाने वाले, थोड़ा आगे जाने वाले, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था और नहीं करूँगा। तो हम लोग आगे जाते, ये कोयले को मैंने छोड़ दिया भाई, इतने सारे अभी नहीं ले सकता मैं, बाद में ले लूँगा। तो वो पता है उसने, मैंने उसको बोला था अपना वो स्टोन वाला पिकेक्स एक एक्स्ट्रा देने के लिए, क्योंकि मेरा उसका हेल्थ जो है वो एकदम लो हो चुका है, थोड़ा सा यूज़ करूँगा तो उसका भी अंतिम संस्कार हो जाएगा। तो चलो, तो इधर आगे गया तो हम लोग को इधर एक कोबल स्टोन या फिर ग्रेबल हो सकता है हम लोगों को मिला है, तो ये ग्रेबल ही है फिलहाल। तो इधर को डर्ट लगा कि हम लोगों ने इस पानी को रोका, तो सामने देखती है क्या है। तो इधर टॉर्चेस लगाते हैं हम लोग, थोड़ा और सामने जाते हैं भाई, बहुत अंधेरा है इधर, और शेडर्स की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। तो हम लोग आगे जाते हैं थोड़ा और, इधर फिर से टॉर्चेस लगाते हैं। तो हम लोग इधर को आ गए, थोड़ा और टॉर्चेस लगाते लगाते जा रहे हैं, थोड़ा पीछे ज़्यादा सामने नहीं टॉर्चेस लगा रहे क्योंकि सामने से क्रीपर आ गया तो हम लोगों का काम ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग आगे जाते हैं थोड़ा, उसके बाद इस क्या फेंका मैंने, ओ सॉरी, मैं स्टिक्स बना रहा हूँ थोड़ा टॉर्चेस बनाने के लिए, क्योंकि मैंने टॉर्चेस दो फिर से ख़त्म हो गए। तो जल्दी से हम लोग टॉर्चेस बना लेते, तो जल्दी से थोड़े, हाँ 20 टॉर्चेस, हाँ इतने ठीक है मेरे हिसाब से। तो हम लोग आगे जाते हैं, उसने मेरे को पूछा था मैं रुका क्यों, मैंने बोला मैं टॉर्चेस क्राफ्टिंग कर रहा था। तो इधर ये मत सोचो एक केव ख़त्म हो गया है, मैंने उसको बोला उस आयरन ओर को लेने के लिए, तो तभी मैं इधर को आया तो मैंने देखा नीचे से एक और रास्ता है, पता नहीं ये रास्ता इधर ऐसे खुला पड़ा हुआ है। इसको देख के मेरे थोड़े यूनिक से, मतलब कैसे पता नहीं फीलिंग आई, ये इधर से नीचे ऐसा कुछ था, मतलब फीलिंग पता नहीं कैसी आई मेरे को जब मैंने देखा। तो ये अब सच बोल रहा हूँ, अब इससे आगे हम लोग नहीं जाने वाले हैं, ये अब सच है, कोई मजाक नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे जाएंगे। 2 hours later. तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, अब ज़्यादा नहीं जाने वाले, ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहले तो स्केलेटन का मार देता हूं भाई, मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है, आई एम डेली सॉरी, इंटरनेट खुद से आता है स्लो है आज, तो थोड़ा सा लैग वैग हो रहा था, पहले तो इसको मार देते, लैग नहीं एक्चुअली मतलब वो अटक अटक के चल रहा था वो। तो हम लोग ज़्यादा पहले खा लेते भाई, मून की क्या लाइट आ रही है भाई इस शेडर्स में, वैसे ES10 2.0 है, इसका एक नया वर्जन आया है। पहले इधर से हम लोग जा रहे तो भाई इधर को एक वाटर वाइक क्रॉस मिल गया, वैसे हीरो ब्रांड नहीं आने वाला मेरे को पता है, हीरो ब्रांड नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लेयर वर्ल्ड में अगर एक से ज़्यादा कोई होता तो वो नहीं आता है, वैसे मिल गया पता नहीं ऐसे ही होगा कुछ। तो हम लोग जल्दी से इस पता नहीं मेरे से बीटरूट सीड पता नहीं मेरे पास कहाँ से आ गया, तो हम लोग आई थिंक मैंने गलती से उठा लिया, तो हम लोग जल्दी से इसको चेस्ट कर रख देते, वैसे रख दिया मैंने इस ग्रेवल को लेके। मैंने उसको बोला तेरे को याद है ना जो भी ब्लॉक्स होंगे वुड को छोड़ के वो सब इधर को रखने हैं और लीड, तो उसने इधर रख दिया अपना कुछ चीज़ें रखे या नहीं मेरे को पता नहीं, मैंने रख दिए। तो हम लोग आगे जाते हैं, मैं एक चीज़ बोलना भूल ही गया था, ये कारपेट तुम लोगों को कैसे लगे प्लीज़ बोलना। तो हम लोग नीचे आ गए तो वो फाइंडर्स में अपने आइडेंस का कुक कर रहा है, तो मैं इधर को आ गए थोड़े वुड्स ले लिए अपने, मैंने स्टोर मेरे चेस्ट में रखे थे वो, सही बात है मैंने थोड़े रखे थे, तो वो उसने ब्लास्ट फाइंडर्स में दे दिए, तो उसके वाले हो रहे, मैंने पता नहीं किया कि मैंने अपने वाले इधर दे ही नहीं, देना भूल ही गया मैं अपने वाले को इधर।
तो मैं दूंगा बाद में तो इधर को, मैं थोड़े कोयला इधर रख देता हूँ थोड़े हाफ ऑफ करके, मतलब पार्ट पार्ट करके मैं थोड़ा इधर को रख देता हूँ। तो मैंने रख दिया थोड़े कोयला। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, हम लोग पहले सीरीज भी तरह और सीरीज की तरह इधर को एक सीक्रेट बेस फिर से, सीक्रेट नहीं एक बेस है, तो इस बेस को थोड़ा सा काम बाकी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को मैं दिखा दूंगा कैसा लग रहा है। थोड़ा सा ही अलग होगा, नीचे हम लोग एंचेंटमेंट रूम भी बनाएंगे पर एंचेंटिंग करने के बाद, तो इसका थोड़ा काम बाकी है इसलिए मैं नीचे अभी जा नहीं रहा हूँ। थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़े स्टोन्स मतलब वो थोड़े तोड़ने, थोड़े ग्लास पेन्स बनाने पड़ेंगे इसलिए मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। तो इस बार इधर को मैंने एक फिर से और चेस्ट बना लिया, नीचे भी एक एक्स्ट्रा होगा, पहले मैंने उसको बोला सब इधर रखना, जब ये वाला भर जाएगा तब नीचे वाले को मतलब नीचे वाले में हम लोग रखेंगे। और पता नहीं इन दोनों चेस्ट का मैं क्या करूँ, असल में लेफ्ट वाले चेस्ट का तो मैं नीदर वाला चेस्ट बनाऊंगा, नीदर से जो भी मिलेगा रखूंगा, पर राइट वाले का मैंने क्या किया था वो मेरे को याद नहीं है, तो मैं ज़रा अपने पुराने वीडियो देखूंगा मैं उधर को क्या रखा था, उधर बेड की साइड लेफ्ट साइड में पता नहीं मैं क्या रखा था, तो ज़रा मैं अपनी वीडियो में देख लूँगा, मेरे को याद नहीं मैं इतने रखता क्या था। तो मैंने जल्दी से ये इंग्रेस ले लिया, मैंने अपने वाले भी दे दिए थे बाद में जब वीडियो को पॉज करने से पहले, तो एक ही इंग्रेस मैंने लिया पता नहीं क्यों लिया। तो मैं इधर को गया, ओम याद है मैंने शील्ड बनाने के लिए लिया था जो मैंने बना लिया, उसको ज़रा पूछा उसने बनाया है या नहीं, तो उसने बोला उसने बना उसने बना लिया है ऑलरेडी, उसने आर्मर चेस्ट प्लेट लेगिंग्स मतलब अपनी चड्डी, उसके बाद अपने जूते, उसके बाद बनियान, मतलब सब उसने बना ली। क्या क्या नाम है इनके, वाला आर्मर्स का नाम मैंने क्या रख दिया। अच्छा चलो हम लोगों ने बाकी इनग्रेडिएंट्स भी ले लिए भाई, कितने लिए थे और कितने बच्चे मतलब सब यूज़ कर लिया। तो चलो हम लोग, मैं भी अपने लिए थोड़े आर्मर्स ये बना लेता हूँ, पहले तो पिकेक्स बनाता हूँ, उसके बाद सॉर्ड बनाता हूँ, उसके बाद एक्स बनाता हूँ, उसके बाद फिर से नीचे जाता हूँ बाकी ओर्स को लेने के लिए। पर उससे पहले अपने पुराने वेपन्स को मैं ज़रा इधर रख देता हूँ, जिसकी ज़रूरत तो मेरे को नहीं है अभी, आयरन वाले मिल गए तो वही को हम लोग रहने देते हैं, स्टोन वाले को भी इधर रख देता हूँ। स्टोन वाले को मैं यूज़ करूँगा जब तक वो ख़त्म नहीं होता है, मैं बाद में ले लूँगा, अभी नहीं नेक्स्ट पार्ट में होगा, मैं इधर इस पार्ट में लेना ही भूल गया। तो छोड़ो हम लोग फिर से आगे जाते हैं, ऊपर को जाते हैं और इस फिर मैंने तो इनगेट्स लेना भूल ही गया, तो जल्दी से जाते हैं इनगेट्स को ले लेते हैं, पांच फिर से हो गए तो पांच ही ले लेते हैं, इसके मिलाकर टोटल सात इनगेट्स हो गए, तो और दो है तो नौ इनगेट्स हो गए। ऊपर जल्दी से जाने से पहले इधर पता नहीं ये क्या कर रहा है, तो मेरे को याद है इन दोनों को मैं ज़रा ली के ऊपर में रख देता हूँ, पता नहीं यहाँ क्यों रख दिया था मैंने, और नीचे वाले कार्पेट भी तुम लोगों को कैसा लगा ये बोलना। और इधर से भाई ऊपर से क्या मतलब लाइटनिंग जो है पड़ रही है ना शेडर्स की वजह से। पहले तो हम लोग इधर को रख देते हैं और इस इनगेट्स को तो हम लोग रखेंगे, पहले हम लोग कुछ चेस्ट प्लेट उसके सब बना लेते हैं। तो जल्दी से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने, मैं ढूंढ रहा था मैं बनियान कहाँ गई, तो बनियान के लिए एक और इनगेट चाहिए, तो मैं फिर से नीचे भग लिया, तो नीचे आने के बाद मेरे को दो इनगेट्स मिल गए तो टोटल नौ हो गए। तो ऊपर फिर से चला गया उस बनियान बनाने के लिए, तो कहा गई ये चेस्ट खोला, चेस्ट खोल के मैंने पता नहीं क्यों खुला था, तो जल्दी से हम लोगों ने बनियान को सिलेक्ट कर लिया, बनियान बना लिया, तो बनियान को पहले तो उसने मेरे को बोला नीचे आने के लिए, भाई उसको एरो मिला था भाई, मेरे को वो मेरा पोपट हो गया इधर को, मेरे को मारने के लिए उसने बुलाया था, मेरे को बुलाया था नीचे आने के लिए, मैंने सोचा ये तो लाइट की आ रही है उसके वजह से, तो उसने तो एरो मारने के लिए बुलाया, उसने बोला फुली डैमेज है, मैंने बोला भाई जब भी स्केलेटन से एरो मिलता है तो डैमेज वाला ही मिलता है, पूरा कभी नहीं मिलता। और ऊपर की लाइटनिंग कैसी आ रही है ये प्लीज़ बोलना, मैंने ऊपर वो ग्लास लगा दिए थे और नीचे का जो दो वुडन बॉक्स मैंने दे रखे उसमें मैं ग्लो स्टोन या फिर हाँ ग्लो स्टोन या स्नोम डैट लगा सकता हूँ, तो वो फिर से इधर आ गया, तो इसने चेस्ट को खोला, मैंने देखा ये करके आ रहा है चेस्ट में, तो मैंने उसको बोला था तेरे पास अगर कोई इनगेट से तो इधर को रख देने के लिए, मैं ऊपर देख के खा रहा हूँ कारपेट वारपेट ना टूट जाए इसलिए। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ तो भूल ही गया था फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक लड़की को शाउट आउट देने वाले जिसका नाम है सिल्विया, उस तो उसका जो सरनेम है भट्टाचार्य, मैं भट्टाचार्य हूँ, हम दोनों ब्राह्मण हैं, वो भी बंगाली है मतलब बंगाली बोलती है, मैं भी हूँ,
और वो वेस्ट बंगाल से भाई, उसने बोला था भाई मेरे एक ड्रीम पूरा कर दो प्लीज़, अपने चैनल में मेरा नाम लो भाई, उसका ड्रीम, मतलब कितनी बातें की उसने मेरे साथ। असल में उसने मेरे चैनल में बातें नहीं की, उसने जेरेक्स ओपी के चैनल में बातें की थी, जिस दो दो वीडियोस में उसने बातें की थी, उसकी दो दो वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं पिंड कमेंट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, तुम लोग देख सकते हो भाई कितने रिप्लाईज आई है उसके। और हालांकि उसको भी मैंने शाउट आउट दे दिया है, और उसका नाम तो मैं पहले लिख देता हूँ जल्दी से जाके। ये ज़रा पहले हम थोड़ा साइनबोर्ड्स बनाएंगे हम लोग, पहले तो मैंने ज़रा वुड लेके आ गया मैं वुड को पॉज करके पेड़ काट के, नहीं तो भाई साइनबोर्ड्स कैसे बना था, मेरे तो वुड ही ख़त्म हो गए। तो जितने भी लॉग मिले थे उनसे हम लोगों को 64 प्लैंक्स मिल गई, मतलब एक वन स्टैक प्लैंक्स हम लोगों को मिल गई। तो हम लोगों ने इस प्लैंक्स को लिया और इधर को आए, थोड़ा इधर को आए, फिर से इधर को आए, फिर से इधर को आए, और जो साइन बोर्ड से इनको इधर लगाया, और इधर मैंने जल्दी सिल्विया का नाम लिख दिया, SILVEA। नाम अगर सही प्रोनाउंस किया, नाम को गलत प्रोनाउंस किया तो आई एम सॉरी, गलत बोला है तो सॉरी। तो नेक्स्ट हम लोग बोर्ड लगेंगे द रैंडम सोल का, उस टाइम मेरे को कमेंट किया तो उसका लगा देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है माइनक्राफ्ट के बारे में तो वो भी मेरे को पूछ सकते हो, तब भी तुम लोगों का नाम जो इधर मैं लगा दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो अभी मैं सोच रहा था और कौन रह गया। One hour later. तो तभी मेरे को याद आया गेम सेंस के बारे में, तो मैंने वीडियो को पॉज किया था भाई बहुत देर तक, सोचा हम लोगों ने 5 मिनट तक, तो हम लोगों ने नहीं, मैंने इधर गेम सेंस का नाम जल्दी से लिख ही देता हूँ भाई, किसका नाम कैसे भूल गया मैं, सॉरी। हालांकि बेटा टेक्निकल गेमर एस का नाम नहीं लिखने वाला, उसका छोटा सा पर्सनल कारण है, रीज़न है, इसलिए उसका नाम मैं नहीं लिखने, सो आई एम सॉरी, मैं उसका नाम नहीं लिख सकता। सो आज हम लोग पार्ट को एंड करते और टेक्निकल गेमर वाटिका चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना। सो फ्रेंड्स, वेट अ मिनट, हू आर यू? तुम लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल, डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन करना, मैं हर वक्त बात करूंगा तुम लोगों से, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो तुम लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। चलो उतरा मैदान में तो डर से हैरान तू, अब जान तू तेरी जान से आया तो परेशान तू, घान तू तो टिकना असंभव, तो सब से लड़ लूंगा जल्दी से डाल तू ले रनिंग, फटाफट उठा ले सटा सर, जितना भी बंदूक मिले भर ले खचाखच, कोई अचानक से प्रकट तेरे सामने तो हाथ में ना कुछ भर दे, मुझ के घबरा मत तू, जा मत अकेले, दोस्तों का साथ ले भी खेले, सीना तान के लगे लाशों के सेले, अब लगा ले स्कूप लगा ले।